शुभोदय बच्चों, सब लोग कैसे हैं? मैं सोचती हूँ ठीक। तो हम पिछले लेसन में इकाई एक यानी फर्स्ट चैप्टर इकाई एक इस एक में पार्ट एक दो तीन पूरा हो गया। ठीक है, पार्ट एक है आम ले लो आम, पार्ट दो है हमारा गांव और पार्ट तीन है रेलवे स्टेशन। ये तीन इकाई एक में आ गए। हाँ बच्चों, ये तीन पार्ट भी हो गए, नोट्स भी हो गया, सब कुछ भी हो गया। तो अब हम लोग इकाई दो, क्या है बच्चों? इकाई दो यानी सेकंड चैप्टर में पहला पार्ट है यानी पार्ट चार है बाजार। बाजार सभी को मालूम है कैसा होता है, बाजार में क्या क्या मिलता है हम सब लोग देख सकते हैं बाजार, उसके बारे में आज हम पाठ पढ़ेंगे। आप सबके पास टेक्स्ट बुक्स है ना, सामने रख लीजिए और पाठ में क्या क्या है एक बार देख लीजिए। इस बाजार पाठ से हमको किन किन अक्षरों को मैं पहले ही बताई ना आपको, वर्णमाला के अक्षर पूरा एक एक लेसन में अक्षर हमको दिया जाता है। और इस पाठ से हमको ज ह ब भ और एक अक्षर है शा, इन अक्षरों का ज्ञात होता है यानी यह पाठ में इन अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ रू, रू की मात्रा ये भी उपयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, यह पाठ से हमको क्या क्या अक्षरों का ज्ञात होता है, ज ह ब भ श और रू, रू की मात्रा। अब देखिए, देखो देखो यह बाजार कितना प्यारा है, बाजार सब कुछ मिलता है यहाँ सब लोगों का। यह बाजार, बाजार सभी को प्यारा ही लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि जो हम चाहे वो हम खरीद सकते हैं, जो पसंद है हमको वो चीज़ें बाजार में मिलते हैं और बाजार जाना अच्छा लगता है, बाहर घूमना। इसीलिए देखो देखो यह बाजार कितना प्यारा है, बाजार कितना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है बाजार, सब कुछ मिलता है, सब कुछ जो भी हमको चाहिए सब कुछ बाजार में हमको मिल जाता है। सब लोगों का यह बाजार, सिर्फ हमारा ही नहीं सब लोगों का है यह बाजार। ये था आपका पाठ। अब देखिए आप यह चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है एक बार देखिए। यह चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले चूड़ियों की दुकान बैंगल स्टोर, चूड़ियों की सिर्फ बैंगल्स। और इधर देखिए चाय घर यानी टी शॉप, होटल का जैसा, छोटा होटल का जैसा। और पुस्तक घर यानी पुस्तकों का शॉप, बुक शॉप। देखिए यहाँ पे खिलौनों का दुकान, खिलौने ये हमको बहुत पसंद है नहीं, क्या खिलौने टॉयस, ये शॉप है टॉयस का। और इधर दो गाय है, एक बड़ा पेड़ है, एक घर भी है, एक बड़ा लाइट है। इधर एक आदमी गाड़ी पे क्या बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, दो बच्चे खरीद रहे हैं आइसक्रीम को। इधर एक छोटी सी औरत जा रही, इधर एक औरत जा रही है, इधर एक छोटा लड़का खिलौना देख रहा है। ठीक है, इधर दो आदमी बात कर रहे हैं, इधर दो बच्चे हैं, इधर एक औरत नीचे बैठकर कुछ सामान खाने की कुछ वस्तुएं भेज रही है। ये सब कुछ क्या है, बाजार है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, बाजार यानी बाजार में हमको जो चाहे सब कुछ हमें मिलता है। और इसके बारे में अब आपको टेक्स्ट बुक में क्या है बताएंगे, बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार में सब कुछ मिलता है, जो जरूरतमंद चीजें हमें चाहिए वो सब कुछ हमें मिलता है। बाजार से क्या लाभ है, बाजार से हमको क्या लाभ है, जो घर में नहीं है वो सब कुछ ला सकते हैं, सब कुछ घूम सकते हैं, जो भी हमें चाहिए वो चीज सब हम कुछ खरीद सकते हैं नहीं। चित्र देखो शब्द पढ़िए, चित्र देखिए और शब्द पढ़िए। देखो बस, बाघ, ऋषभ, फल, कृषक, कृषक का मतलब फार्मर है, ऋषभ का मतलब ऑक्स है। ठीक है, इसके नीचे यह ऋषि है, किसान के पास ऋषभ है, यह भाग है, किसान के पास क्या है, किसान के पास ऋषभ है, इसके बिना ये खेती बाड़ी नहीं कर सकता है। और उसके नीचे जो वर्णमाला दिया गया
है, अक्षर दिया गया है, वर्णमाला चार्ट में क्या करना है, गोला करना है, सर्किल करना है। पहले कौन सा अक्षर है इसमें, ऋषभ, क्या है, रू। देखिए पहले रू, इधर क्या करना है, रू को आप लोग सर्किल करना है। उसके बाद श, इधर शा को सर्किल करना है। उसके बाद भा, भा को सर्किल करना है। उसके बाद बा, छोटा बा, आप पहले बड़ा हो गया ना भी, इसके बाद, उसके बाद पहला छोटा बा, ल, उसके बाद क, और फा, दूसरा फा, प, फा, ला पहले ही हो गया ना, इसके पहले बालक हो गया। उसके बाद जल, छोटा ज, च, छ, ज, ला हो गया है। इसके बाद कृषक, का हो गया, श हो गया, का हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे चार्ट पे हो गया है। इसके नीचे आपको कुछ शब्द दिया गया है, क्या है वो पढ़ना है, पढ़कर सीखना है। बस, फल, जल, कृषक, ऋषि, फूल, उषा, ऋषभ, बाजार, जमीन, कमीज, जग, भूमि, भालू, ये सब कुछ पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। शब्द यहाँ पे जो दिया गया है वो शब्द, और इधर नीचे रू की मात्रा वाले अक्षर यानी 12 कड़ी दिया गया है, क्योंकि इधर आप लोग यह मात्राओं को जोड़ते हुए इन अक्षरों का 12 कड़ी यह बॉक्सों में आप लोग लिखना है। ये मालूम है सुलेख, आप लोग ही सुंदर अक्षरों को इधर लिखना चाहिए। और उसके बाद इधर ये बिट कैसा लिखना है मैं अभी आपको बताती हूँ। अक्षरों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए, अक्षरों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। पहला क्या है, आपको बीच में रू अक्षर दिया गया है, और देखिए एरो मार्क इधर दिया गया है। इधर एक बार देखिए बच्चों, इधर आपको एरो मार्क किस तरफ दिया गया है, यह अक्षर से इस अक्षर से इस अक्षर को मिलाना चाहिए। अगर ये ना, ये आपको इधर दिया गया है तो इस अक्षर से इसको मिलाना चाहिए, ठीक है। अब इस तरफ दिया गया है, पहला ये अक्षर, उसके बाद ये अक्षर लिखना है। यहाँ पे पहला रू अक्षर लिखना चाहिए, उसके बाद तू, ऋतु, ऋषि, ऋषभ, ऐसा लिखना चाहिए। और उसके नीचे आपको कुछ फल दिया गया है, रंग भरिए, नाम लिखिए, ये एक एक कौन सा फल है, वो कौन सा रंग में होता है पहचानिए, रंग भरिए, और उसका नीचे क्या लिखना है, फल, क्या लिखना है आप लोग, फल लिखना है उसके नीचे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको पार्ट चार हो गया है, और टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखना है ये भी पूरा हो गया है। आप लोग इसको देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद पूरा लिख लीजिए। अगला क्लास में क्या लिखना है अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। धन्यवाद।